नाम क्या है हमारा? सी थोड़ी चटनी और डालो ना, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। नमस्कार, मैं हूँ तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। और चुनावी सफर पर हम लोग निकले हुए हैं। आज हमारा जो काफिला है, जो हमारा जो सफर है, वो सुर्खी में आके रुका है। सुर्खी दो चीजों से बड़ी मशहूर है, एक तो सुर्खी के बरा, ये जो बड़ी बड़ी आप पूरी टाइप की चीज देख रहे हैं ये बरा, और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत जो मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री हैं। ये केशव जी हैं, यहाँ पे इनकी दुकान है ये बरों की। साहब ये किस मटेरियल क्या लगता है इसका बनाने का आपका? ये उड़द दाल से बनते हैं। उड़द दाल से बनते हैं, तो इसकी क्या तैयारी रहती है? 20 सुबह दाल फूलने डालते हैं, 10-11 बजे के लगभग डालते हैं उसको फूलने दाल। अच्छा, 10-11 बजे सुबह फूलने के लिए? हाँ, फिर फूल जाए तो फिर उसको खल से पीसते हैं। कैसे? खल से, पथरा के खल से घुमाने वाला, फिर उसके बाद ये तैयार होते हैं। दिन भर मेहनत लग जाती है? दिन भर होता है। कितने बिक जाते होंगे रोजाना? 10-12 किलो के। 10-12 किलो के? हाँ। तो कितने का एक चलता है? 10 रुपए का। आप कहाँ के? यहीं के रहने वाले। सुर्खी के रोज खाते हैं क्या यहाँ पे? केशव, क्या नाम है आपका? केशव, केशव गौतम। केशव गौतम जी के बरा खो रोज खाने आते हैं? खाने आते। बहुत मशहूर क्यों है ये बता जरा? पहले से ही बनते रहे, और कहीं नहीं बनते, सिर्फ इन्हीं के बनते हैं या इन्होंने शुरू किया? बनते हैं, प्रसिद्ध है। अच्छा एक बात दीजिए ना, जरा एक जरा खा के देखते हैं। इस पे ना ये मिर्च की चटनी है, ये ऐसा, और इस पे लाल मिर्च की, बिल्कुल सुर्ख मिर्ची की जो चटनी रहती है। और दूसरी चटनी काय की रहती है? अमचूर की है। हाँ, अमचूर की चटनी, बिल्कुल एकदम गरम गरम देखते हैं। देखिए गरम बहुत है ना, मस्त है एकदम। कितने देने दो थे? आमचूर का टच 20 देने, और लाल मिर्ची की चटनी जबरदस्त होता है। हमारे दोस्त लोग जो हमारे साथ आए ना, वो अभी इसका जायका नहीं चख पाए हैं, और थोड़ी देर से खा लेना। कितने की बिक्री हो जाती है रोजाना? बिक्री तो होती रहती है। कितनी? तो 10-12 हजार की। अच्छा, इसकी ब्रांचेस क्या सागर वगैरह में नहीं है कहीं पे आपकी? है ना, एक मकरोनी यहाँ पे खुल गई है। हाँ, और नहीं है। आप ही के परिवार के लोग हैं क्या? हाँ। कोई सिविल लाइन का बता था, जरा सी थोड़ी चटनी और डालो ना, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। हाँ, सिविल लाइन में भी खुली में था मजा। हाँ दीजिए, लाल मिर्ची की चटनी भी दीजिए। तो ये सुर्खी के बरा है साहब, और जब चुनावी का कवर करने के लिए निकलते हैं तो सुबह से निकलते हैं, शाम हो जाती है, और इसी तरह की कुछ चीज़ों का जायका लेते हुए आपको जो है ना चुनावी जायके से भी रूबरू कराते हैं। ये गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी है, राजस्व मंत्री, परिवहन मंत्री, और ये यहाँ पे जो बरा बनते हैं। अब मंगोड़ी बन रही है साहब, मंगोड़ी भी बड़ी खास है यहाँ की, देखिए ज़रा। पूरा देसीपन, वही पुराने जमाने की भट्टी, और अंदर से आग के शोले निकल रहे हैं, जबरदस्त है। सुर्खी के परों का कोई तोड़ नहीं होता, बहुत जबरदस्त बनते हैं। ऐसे ही कोई वीडियो जब मैं देखूंगा कि कोई चीज आपको अगर आकर्षित करती है हमें, तो आपसे उसको जरूर रूबरू कराऊंगा। फिलहाल मुझे आप इस सुर्खी के बरे और मंगोड़ी के जायके के साथ अगले वीडियो पर लेके चलता हूँ। थैंक यू। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया,
स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।